आपको आदर्श है। यूनियन ऑफ टू सेट, टू सेट्स को यूनाइट करो, यानी मिला कैसे मिला है? ए और बी तुम्हारे सामने, यूनिवर्सल सेट इधर लिखना है, हर सेट के लिए एक सर्कल आएगा, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग। अब इस बात का ध्यान रखना कि ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, अच्छे से देख लो। ए में 1 2 3, बी में 4 5, कोई कॉमन अगर नहीं है ना तो दो सेट टोटली अलग है, ए डिफरेंट है और बी दोनों अलग, कोई कॉमन तो है ही नहीं। इसमें आएगा 1 2 3, इसमें आएगा और इसका यूनियन, यूनियन का मतलब अपने आपस मिल गया, मिलाना क्या है, इधर ये और इधर, ठीक है ना, उन दोनों को अलग ही रखना, एक्चुअली मिला लिया हमने, ऐसा उसका मतलब हो गया, हमने क्या किया उनको ऐड कर दिया। बताओ इधर कैसे ऐड करें, पी और क्यू बताओ दोनों में भी कॉमन है, कॉमन अगर है तो फिगर ऐसी है, कॉमन है तो फिगर ऐसी है, और ये कॉमन एरिया रहता है, ये एरिया पी में भी आता है और वो क्यू में। तो बताओ सबसे पहले आप इस वाली जगह को फिलअप करना, बताओ कौन कॉमन है पी में और क्यू में, वो यहाँ पे लिखना, 1 2 3 और 5, यहाँ पे 3 और 5 आएगा जो कॉमन है, और बचे हुए बराबर पी में बताओ कौन कौन है, ये पी का सर्कल है ना, देखो पी का सर्कल यहाँ से याद करो, तो पी के सर्कल में कौन कौन आना चाहिए, 1 2 3 4 5, 3 और 5 आ चुका है ना, क्या आएगा 1 2 4, अब बताओ पी के सर्कल में 1 2 3 4 5 आएगी, है ना, पूरे पी के सर्कल में। चलो क्यू के सर्कल में क्या आना चाहिए, 3 5 7, नहीं 3 5 7 नहीं, 4 आने चाहिए ना क्यू के सर्कल में, 3 5 तो ऑलरेडी आ चुका है, क्या वजह से है ना, तो बताओ क्यू के सर्कल में देखो बोला 3 5 7 नहीं आएगी, और पी के सर्कल में उन्होंने 1 2 3, बताओ कोई जो कोई बच जाता है ना वो हम बाहर लिखते हैं, यहाँ पे कोई बचा ही नहीं है क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट आपको दिया नहीं है, यहाँ पे बताओ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये है यूनिवर्सल सेट और ये सेट ए है, यूनिवर्सल सेट में कौन है 1 2 3 4 5, ए में कौन है 1 2 3, अब एक बात बताओ सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी का नाम नहीं है, आप इसकी सेट है, अब बताओ 1 2 3 छोड़ के बचे को यूनिवर्सल सेट में देखो अच्छे से, 1 2 3 यूनिवर्सल सेट है ना, रेक्टेंगल है, इसमें ये पांचों आने चाहिए, बताओ इस रेक्टेंगल में पांचों की पांचों आए क्या, सिर्फ कौन दिख रहा है रेक्टेंगल के अंदर, 1 2 3 दिख रहा है रेक्टेंगल में, दिख रहा है ये रेक्टेंगल के अंदर चाहिए, ये 1 2 3 सर्कल के अंदर भी है और रेक्टेंगल के भी अंदर है ना वो, ठीक है कि नहीं, हाँ तो बताओ रेक्टेंगल के अंदर 1 2 3 4 5 आना चाहिए, बताओ अभी तक कौन आया रेक्टेंगल के अंदर, 1 2 3 4 5 नहीं है, लिख दो, अब बताओ पूरे रेक्टेंगल के अंदर 1 2 3 4 5 है, ये अपना यूनिवर्सल सेट पूरे दिख रहे अंदर, उसके बाद ए में 1 2 3 दिखना चाहिए, हाँ सर ए में 1 2 3 दिख रहा है, बताओ ए डैश का मतलब क्या था, याद है पिछले पीरियड में पढ़ाया था, कॉम्प्लीमेंट्री यानी क्या होता है, उसे छोड़ के बाकी, बताओ ए में कौन है 1 2 3, उसे छोड़ के कौन है, बताओ वो कहाँ पे आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, बताओ आपको इस वेन डायग्राम में कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना ए में कौन दिख रहा है 1 2 3, तो ये जो है वो कौन है, वो है ए डैश, 4 और 5 क्या है ए डैश, एक काम कर दी यू को मैं बाहर लिखता हूँ, इसको ए डैश का, इसका मतलब ये होता है ए यानी 1 2 3 ए डैश यानी बाहर बचे हुए सब, और उसके ऊपर बनी यू नाम गया यूनिवर्सल सेट। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसका आंसर आपको बता रहे, ठीक है, बस फिगर में लिखो इसको, मतलब क्या होता है ये यूनियन बी छोड़ के बाकी के सब, और ये कॉमन छोड़ के सब, डैश का मतलब बाकी के सब, चलो चलो आधे क्वेश्चन, यू यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर जितने भी दिख रहे हैं वो सब कहाँ पे है, यस रेक्टेंगल के अंदर, ये रेक्टेंगल की बाउंड्री है, इसके अंदर तुम्हें जितने दिख रहे हैं सब वो यू के हैं, टू थ्री फोर सिक्स सेवन
इस रेक्टेंगल के अंदर और भी दिख रहा है सही यश ने सही बताया रेक्टेंगल के अंदर जो भी देखिए पता पूरे रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या दिख रहा है 1 2 3 4 तो ऐसे लिख सकते 2 4 6 3 7 1 5 8 9 और 10 11 क्या होता है तुम 1 2 3 4 करते बैठोगे तो कोई छूट सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कोई छूट गया तो उससे अच्छा इधर वाले कर 2 4 6 3 7 1 5 8 9 अब बाहर वाले लो 10 11 सब आगे लिए कैसे भी लिखे तो लिख सकते ये क्या अपना यूनिवर्सल सेट है चलो अब आप बताओ एक एक जन और लिखते बैठो बताओ ए में कौन आएगा तुषार 2 4 6 3 7 आएगा ये बता रही है कि सर ए में 3 7 भी आएगा ए का मतलब ए का सर्कल ए के सर्कल में जो भी आएगा सब वो तो ए के सर्कल में सही बता रही है 3 और 7 हाँ चलो पहले आप करते हो क्या फिर एक हिंट दे देता हूँ ए डैश का मतलब याद है ए छोड़ के बाकी सब अब ए वाले सर्कल को छोड़ के ए सर्कल है ना ए के सर्कल में जो भी आ रहे वो छोड़ के बाकी सब लिख देना बताओ कौन कौन है बाकी सब 1 5 8 9 11 बताओ मैंने ए का सर्कल छोड़ के बाकी सब लिख दिया ना उसको बोलते हैं ए डैश अभी बी में कौन आएगा बी में 1 5 8 9 कितना आएगा बी यानी बी का सर्कल पूरा है ना तो बी के सर्कल में कौन कौन है 1 5 8 9 3 7 ये पूरा देखो ना बी यानी बी का सर्कल पूरा देखना अच्छा बता हाँ बताओ बी डैश तुम आगे सर बागवानी बी डैश यानी बी को छोड़ के पकड़ के बी छोड़ के हाँ बता 2 4 6 सही बताया हाँ बी है ना ये तो बी छोड़ के बताओ कौन कौन है 2 4 6 10 11 हाँ बताओ अब ए यूनियन बी सुमित ए और बी को मिलाना है पर यूनियन बताओ 2 4 5 7 3 भी लेना 7 हाँ 1 8 5 डबल आ गया 6 9 और कोई 6 आ गए क्या सब ए और बी को मिला है तो सब आए क्या 3 नहीं है अब तक है ना ऐसे नहीं कहा ऐसे इधर उधर देख के मत ऐसा करना फिर इधर के ऊपर लिख देना फिर ये फिर ऐसा एक एक करके आगे बढ़ना तो छूटेगा नहीं तुमने सही बताया गलत तो नहीं बताया तुमने ठीक है बैठो बोलो सबसे पहले ए के तो ए मतलब ए और बी को मिलाना है ना तो ये सब ए और बी तो ये भी ए और बी के ये ए के और वो बी के ये भी तो है ना समझ तो सबको मिलाना है तो सबको लिखो तो यहाँ से लिखना शुरू करो 2 4 6 3 7 आगे बढ़ो 1 5 8 9 कोई छूटता नहीं था बराबर है ये हो गया ए और बी को मिला है अब बताओ ए कॉमन बी इतने बंद करना हाँ ए और बी में कॉमन कौन ए और बी में कॉमन 7 है और नहीं सर नहीं प्रभु हाँ 5 है 5 दोनों में 5
आई वो किस में? फाइव सारे दिसले होते त्याला ते मध्ये जाऊन भेटलं होतं थोडस त्याच्यामध्ये फाइव झाला होता सिक्स चा. हाँ ए और बी में कौन है? थ्री और सेवन. ये एक का सर्कल है कि नहीं? और ये कौन सा सर्कल है? मतलब तो ये वाली जगह दोनों के लिए है कि नहीं? कि ये ए की भी जगह है और ये बी की भी. तो ये कॉमन हो गया, कॉमन जगह दोनों की, ठीक है ना. तो फिर ये है थ्री और सेवन. जैसे देखो ये ऐसा, ये ए की जगह, हाँ और बताओ बी की जगह, पता ये वाली जगह बी की है ना. अब पता ये वाली जगह दोनों में, दोनों की इसमें डी की लाइनिंग, ए की भी लाइनिंग है और बी की, दोनों की लाइनिंग आई ना इसमें, यानी ए की भी जगह और दोनों बोलेंगे मेरी जगह. सही बात है, दोनों की जगह है ना. तो अच्छा बताया, लेकिन अब आगे हाँ बताओ ये यूनियन बी का डैश, यानी याद रखना उसे छोड़ के वो फोर लिखना है. हाँ बोल, ये यूनियन बी नहीं लिखना है, ये यूनियन बी का डैश है उसे छोड़ 10 11 12. सही बता रहे हैं श्रेया? यस सर. ये यूनियन बी का मतलब क्या है पहले वो बताओ. ये यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी सब मिला. देखो ये ए लक्षण अलग है, इकड़े पाना. ये यूनियन बी का मतलब ए और बी सबको मिलाना पड़ता है ना, सबको मिला. यहाँ पे क्या बोला, डैश का मतलब क्या होता है? डैश का मतलब होता है जैसे ए देखो और ए डैश देखो, ए में कौन है? तो मैंने क्या कहा, ए डैश मैंने यूनिवर्सल सेट के ये सब छोड़ के बाकी सब, अब 2 4 2 4 6 3 7 इतने छोड़ के बाकी सब ए डैश में आ गई. अब ये हो गया लिस्ट मेथड से बताना, डायग्राम देख के बता सकते हैं कैसे. ए में कौन है? 2 4 6 3 7. ए डैश का मतलब इन पांचों को छोड़ के बाकी सब, देखो सब देखे. तो वैसे आप बताओ ये यूनियन बी कौन है? ये है ए यूनियन बी, यानी ए और बी को मिला है. अब इसे छोड़ के बताओ इनको छोड़ के कौन बचा? सही बताया, बिल्कुल एकदम सही बताया ना. ठीक है बैठो. ए कॉमन बी का डैश, टू फोर सिक्स बता दे जाऊ 1 5 8 ये इसका कहना है कि ये बोल रही है कि 2 4 6 भी लिखो, 1 5 8 9 भी लिखो सर, लेकिन 11 12 भी लिखो. पता ये सही है तो रहने देता हूँ, नहीं तो बिठा देता हूँ. क्या लगता है? ए कॉमन बी, ए कॉमन बी कौन है पहले वो देखो. वो नहीं, और बी में कॉमन कौन है? अब बता डैश का मतलब क्या होता है? 3 7 छोड़ के, अब 3 7 छोड़ के कौन है ये बाकी के सब? सबक लिखना पड़ता है फिर बाकी के सब, लेकिन बाकी के सब सही बताया. ठीक है, अच्छा बताया यार, हमें भी मिशी सब पढ़ाई करके आ रहे हैं. ये हो गया. अब बताओ ऐसा ही प्रॉब्लम है कि नहीं तुम्हारी एक्सरसाइज में? आया लास्ट वाला एक्सरसाइज में, लास्ट वाला प्रॉब्लम देखो 1.4 एक्सरसाइज में, 1.4 में सबसे लास्ट वाला ऐसा ही प्रॉब्लम है कि नहीं? अरे पहाड़ पहाने बेटा बेटा, अरे पहान 1.4 में सबसे लास्ट ऐसा ही है क्या? बस उन्होंने 1 2 3 4 की जगह एबीसीडी डाल दिया है ना, तो आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना एबीसीडी डाल दिया तो? सर 1 2 3 4 नहीं, कर लोगे ना? हाँ चलो ठीक है. अभी देखो आपके पास ए है, ए के एम वाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ए में? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही ने, तो लिखते कैसा? एन ऑफ ए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहे? फोर.
अब बताओ मैं सेट बी ले रहा हूँ, यम और यन बताओ बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, बी में यन यन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने टू। अब आप बताओ क्या क्या मैंने ए और बी का ये क्या इंटरसेक्शन यानी कॉमन, बता ए और बी में कॉमन कौन, यस ए और बी को अच्छे से देखो, ए और बी को अच्छे से देखो कॉमन कौन है, मुझे कॉमन दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, दोनों को दिख रहा है सही होगा ना, हाँ दोनों को क्या दिख रहा है कॉमन, यम दिख रहा है, यस वेरी गुड, यस दोनों ने क्या दोनों का आर्यन है ना, यस टू एक दोनों यस दोनों यस लिएगा तू ये का इनी ये सिंगल एक मिनट बस ले आपा वेरी गुड बस हाँ कर्स ए और बी में कॉमन कौन है बताओ, ए और बी में कॉमन कौन है यम, बताओ ये तो आपने लिस्ट बनाई, मैंने अगर यन लगाया, यन का मतलब क्या होता है, यन का मतलब है ये जो सेट है ना इसमें एलिमेंट्स कितने, बताओ इस सेट में एलिमेंट्स कितने, अब बताओ ये यूनियन बी, ये यूनियन बी का मतलब ए और बी को मिलाओ, चलो मिलाओ और ए और बी को तुम सना एक एक कर, चलो सुनो ए और बी को मिलाओ, ए के एम वाई एन और इधर कुछ अपने मन से मिलाने पर ठीक है, ये और बी तुम्हारे सामने ए और बी को मिला है आगे पूरे ए और बी के, हाँ वेरी गुड, हाँ अपने मन से बिल भी डालना, सिर्फ ए और बी छान संगीत ए और बी के ही मिलाने हैं, ए की चारों आ गए, अरे ए की चार आ गई बी का तो अरे बी के दोनों आए कि नहीं है, यम और यन यम भी आया हो आए ना, हाँ तो बताओ कितने ये हो गए लिस्ट बनाई, अब बताओ यन, यन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन, बताओ यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने हैं ठीक है ना, ऐसा अगर मैंने कोई सेट बताया बोला अगर आपको उस सेट में सपोज कुछ भी नहीं है लेट सपोज यार सेट एक सी लेता हूं, उस सी नाम के सेट में सपोज कुछ नहीं है कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका एन ऑफ सी बताओ, एन ऑफ सी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, कुछ भी सर कुछ भी तो नहीं है, इसमें एक था तो अपने वन लिखा था, फोर थे तो फोर, टू थे तो टू लिखा था, यहाँ पे पांच है तो पांच लिखा और कुछ भी नहीं तो क्या लिखना, ठीक है लिखो अभी, और एक थोड़ा सा समझ जाओ एक फॉर्मूला स्टडी कर लेते अभी अभी हाथों हाथ, मेरा एक फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला देते, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए कॉमन बी, यानी ये इंटरसेक्शन बी, एकदम दोनों साइड इक्वल आती है, दोनों साइड क्या आती है इक्वल, कैसे इक्वल आती है देखो बताओ एन ऑफ ए कितना है, ए में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है फोर, बी में कितनी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना टू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉमन बी वन बराबर है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए फोर, ये टू और ये कितना वन, टू प्लस फोर सिक्स, अभी पता चला फाइव होता है सिक्स माइनस वन फाइव, अब बताओ ये फाइव और इधर कौन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, पता ए और बी में कितने एलिमेंट से बोलते सही में फाइव है क्या, नहीं है क्या, यानी फॉर्मूला सही है नहीं तो ये फॉर्मूला एकदम सही प्रॉपर आंसर उतना जाए जितना हमारा भी है, तो इसलिए ये फॉर्मूले से हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है, लेकिन क्या होता है कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम भी आती है वो बाद में देखेंगे, अभी हमें सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, वो क्वेश्चन है तुम्हारा एक्सरसाइज का 1.4 का कौन सा है पहला क्वेश्चन, और अब बताओ उसमें क्या क्या दिया है, सोल्यूशन स्टार्ट बोलो, एन ऑफ ए कितना दिया है, एन ऑफ बी कितना दिया 29, और क्या दिया है
अंदर है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना यूनियन है क्या यूनियन बी कितना 29 और एक काम करता मैं अपने मन से देता हूँ ये 1.4 का 1 नहीं है अपने मन से मेरे दिया हुआ किचन है तो कैसे देख लो एक एन ऑफ ए आपको एन ऑफ बी दे रहा हूँ और आपको एन ऑफ ए कॉमन बी दे रहा हूँ ये को देनी है नहीं दे रहा ये 2 दे दो और फाइंड एन ऑफ ए यूनियन ये फाइंड आउट कर तो कुछ नहीं स्टार्ट कर देना फॉर्मूला लिख देना एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू फॉर्मूला ये एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबकी वैल्यू पुट करो चलो बताओ रे बोलो एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है प्लस एन ऑफ बी की वैल्यू 10 माइनस कॉमन की वैल्यू 2 15 और 10 25 माइनस 2 23 तो बताओ आपको मिल गया कि नहीं क्या मिल गया ये ना ये यूनियन की वैल्यू बस फॉर्मूला वैल्यू पुट करो आंसर है लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा और अलग तरीके से आता है वो दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे दे ये क्वेश्चन 1 है ये क्वेश्चन 2 है फॉर एग्जाम्पल आपको एन ऑफ ए देंगे 20 एन ऑफ बी देंगे सपोज 6 एन ऑफ ए यूनियन बी दिया ये यूनियन बी दिया सपोज 29 तो बताओ एन ऑफ ए कॉमन बी कितना चलो ठीक है अब देखो देखो देख कुछ भी पूछे कुछ भी फॉर्मूला फिक्स पता क्या फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब जो जो दिया उसकी वैल्यू पुट करो जैसे पिछले प्रॉब्लम में आपको ए यूनियन बी की वैल्यू 3 नहीं थी तो आपने नहीं दिया जैसा है वैसा वैल्यू नहीं थी लेकिन ये सबकी वैल्यू दी थी ना अब बताओ बताओ ए यूनियन बी की वैल्यू दी है कि नहीं थी अच्छे से देखो दी है ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है इसके नीचे 20 नहीं एन ऑफ ए कितना दिया 20 देखो 20 दिया एन ऑफ बी दिया है क्या 6 6 माइनस मतलब एन ऑफ ए कॉमन बी दिया है क्या ये है क्वेश्चन मार्क यानी एन ऑफ ए कॉमन बी दिया अब जो नहीं दिया तो रह देना अब बताओ क्या करना ये 29 है 20 प्लस 6 कितना है 26 और एन ऑफ ए कॉमन बी अब इसकी वैल्यू निकालनी है ना जिसकी भी वैल्यू निकालनी है वो पॉजिटिव और ये दिखता कैसा है ये आपसे पूरी वैल्यू मुझे पढ़ानी पड़ेगी ये बी की वैल्यू मुझे टेन वगैरह लेनी पड़ेगी मतलब 20 प्लस ये कितना हो गया 30 चलो बताओ ए कॉमन बी की वैल्यू निकालनी है लेकिन सर ये तो नेगेटिव में ये चाहिए पॉजिटिव तो दो तरीके सॉल्व करने के कैसे पहले तो आप नंबर इधर ला लो प्लस थर्टी का क्या होता है और इधर कौन बचा ये जैसा है वैसा ना जैसा है माइनस है तो माइनस ये प्लस 30 को इधर शिफ्ट करो क्या हो गया माइनस 30 जो शिफ्ट होता है उसका साइन चेंज होता है प्लस 30 इधर है माइनस 30 को भी भेजा सर ये अकेला चाहिए ना इसको इधर शिफ्ट करो अब हो गया आगे ना मतलब 29 माइनस 30 गलत 29 माइनस 30 पॉजिटिव नेगेटिव मिलते 59 मत करना मिलते नहीं कितना आएगा लेकिन ग्रेटर नंबर का माइनस वन आता है तुमने वन बताया माइनस वन है पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नहीं ना वन आया ग्रेटर नंबर का साइन और इधर माइनस अब आपको एक चीज पता है दोनों का नेगेटिव साइन क्या कर दो कैंसिल इधर भी माइनस है उधर भी दोनों का नेगेटिव कैंसिल तो क्या हो गया प्लस अब बताओ तुम्हें वैल्यू मिलेगी नहीं क्या मिला बताओ एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है अब ये वीडियो तुम थोड़ा दो तीन बार देखना अच्छे से मैं इसी को सॉल्व करने की और इतने दर बताऊ देखो यहाँ से बता दो यहाँ से एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए कॉमन बी चलो बताओ ए यूनियन बी कितना है 29 एन ऑफ ए 20 10 और ये बता नहीं देखो मैं दो मेथड बता रहा हूँ पहली मेथड ये थी कौन सी 20 प्लस 10 30 हो गया और 30 को हमने शिफ्ट कर दिया क्या हो गया माइनस और ये जैसा है अब ये नेगेटिव बचे हैं अब बताओ क्या होगा ये तो आंसर आया आंसर माइनस वन पॉजिटिव नेगेटिव मिलते नहीं वन और ग्रेटर नंबर का साइन और दोनों का साइन चेंज दोनों का साइन चेंज कर दिया तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो वैल्यू कितनी है वन ये हो गया अपना आंसर दूसरा तरीका
बताओ ये कितना होता है 20 प्लस 10 30। और ये सर ये तो यहाँ तक तो हम पिछली बार भी आए थे, पिछली बार भी तो ये स्टेप थी हाथी, लेकिन अब इसके बाद देखो क्या होगा। इसके बाद हमें पता है कि जो वैल्यू निकालना है वो x y में सब पॉजिटिव चाहिए, यानी n of जो लिखा है ना पॉजिटिव है माइनस है ना। तो एक काम करो इसे ही उधर शिफ्ट कर दो, ये इधर शिफ्ट कर दो, यानी निगेटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। देखो ये निगेटिव है ना माइनस है ना, इधर आके क्या होगा प्लस। ये माइनस ये ना तो इधर क्या होगा प्लस। बताओ उधर कौन सा नंबर बचा है फिर? अरे नहीं 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 इधर 30 बच, ये माइनस ये इधर आया ना 30 तो उधर है, पता इस 29 को उधर लेके जाओ प्लस 29 क्या होगा बताओ कितना आएगा 30 माइनस 29 पता है इसका आंसर वन। तो होता क्या है यहाँ पे हमने इस माइनस एन को इधर ला दिया, तो माइनस एन इधर आया तो क्या हो गया प्लस एन, और 29 को उधर शिफ्ट किया प्लस का माइनस, ये हो गया। तो आप दोनों याद रखो, दोनों से कर लेना तुम्हें जो ठीक लगे उससे आगे बढ़ना। देखो क्या किया हमने यहाँ पे देखा कितने एलिमेंट है 4, तो एन ऑफ 4, 2 है तो 2, 1 है तो 1, और 5 है तो 5, कुछ नहीं है तो 0। फिर मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया यूनियन का फॉर्मूला, एन ऑफ एन ऑफ बी माइनस कॉमन, हमने एन ऑफ ए 4, एन ऑफ बी 2 और कॉमन कितना है 1, 6 माइनस 1 5 बराबर यूनियन का आंसर 5 है। हमने इस फॉर्मूले को टैली किया कि सही है कि गलत है, बराबर सही आया, और फिर हमने इसका क्वेश्चन लिया क्वेश्चन 1। कौन सा क्वेश्चन है आज का? एन ऑफ बी कॉमन सम दिया हुआ है और आपको यूनियन पूछा। इस फॉर्मूले में चार बातें, यूनियन ए बी और कॉमन, चार में से कोई भी तीन देंगे ना तो चौथी मिल जाएगी। अब बताओ आपको कौन सी तीन दी, फॉर्मूला लिख देना यूनियन दिया नहीं, ए 15 दिया, बी 10 और कॉमन 2 दिया, तो कितना हो गया 15 प्लस 10 25 माइनस 2 कितना होता है 23 मिल गया। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन लिया, उसमें भी फॉर्मूला सेम लगा था, यूनियन इस प्रॉब्लम में दिया हुआ यूनियन कितना दिया 29 ए 20 बी 10 और कॉमन आपको दिया नहीं, इसमें कॉमन पूछा है तो कॉमन पूछा तो कॉमन पता नहीं है, वो जैसा है वैसा, लेकिन ये तीनों पता है तो लिख दो, ये होता है 30। फिर हमने क्या किया 30 को इधर शिफ्ट किया माइनस 30 ये बच गया, और ये कितना होता है ये होता है ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो माइनस 1 दोनों निगेटिव है पॉजिटिव बना तो हो गया, और ये दूसरा तरीका ये और ठीक है। जिनको लिखना है अभी समय लिखो, नहीं तो नेक्स्ट पीरियड में ये घर से भी लिख सकते हो ये।